आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिना प्याज और लहसुन के मटर पनीर की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले पैन में डाला है तेल, साथ ही डालेंगे अदरक, सूखी लाल मिर्च और काजू। सॉटे कर लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर और इसके सॉफ्ट हो जाने तक पका लेंगे। टमाटर को अच्छी तरीके से पका लेना है। टमाटर पक जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर एक प्यूरी तैयार कर लेंगे। पैन में तेल डालकर इसमें पनीर क्यूब्स को गोल्डन होने तक फ्राई कर निकाल लेंगे। आप पनीर को बिना फ्राई किए हुए भी ट्राई कर सकते हो, हमें फ्राई किए हुए पनीर बहुत पसंद आते हैं। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, साथ ही इसमें डालेंगे खड़े मसाले और भून लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे तैयार की हुई प्यूरी। प्यूरी को डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक पका लेंगे। इसे आप कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, फ्लेम को मीडियम रखना है। फिर इसमें डालेंगे नमक, कश्मीरी चिली, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। मिक्स कर 5 मिनट तक पकने देंगे। इस तरीके से जब मसाले से तेल अलग हो जाए तो इसमें डालेंगे पानी। पानी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मिक्स कर एक उबाल आने देंगे। उबाल आ जाने के बाद इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए मटर और फ्राई किए हुए पनीर। मिक्स कर ले और इसे 5 से 10 मिनट तक पका ले। हमने इसे ढककर भी पकाया है। मटर पनीर बिल्कुल तैयार हो गया है। लास्ट में हमने इसमें डाला है हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ता। गैस का फ्लेम ऑफ कर सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।